अग्नि को ही साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। पति पत्नी अग्नि के चारों ओर घूमकर सात फेरे लेते हैं और सात वचन भी लेते हैं, जिन्हें उन्हें पूरे जीवन भर निभाना पड़ता है। बात बहुत हो चुकी है, आप जाके सो जाइए। आप चलिए, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। के लिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन। मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर, अपना चेहरा दिखाइए। मुझे चलना चाहिए। प्लीज मुड़िए। निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए,
तुम थी वो जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं, वो तुम थी जो मेरे इतने पास होते हुए भी मुझे कभी मिली नहीं, वो तुम थी। इसके लिए मैं कहा तुम थी वो अगर मेरी आवाज आपको उस लड़की की याद दिलाती है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सूरत कभी ना देखें। मैंने आज वहां उसे देखा जिससे मैं प्यार करता हूं, लेकिन वो मुझे देखकर नहीं रुकी। शायद वो भी अपनी यादों से दूर भागना चाहती हो, तभी वहां से चली गई होगी। क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, क्यों मुझे तुम आज तक झूठ ही बोलते आई हो। बेवक्त तूफान कहां से आ गए हो? शाम तक तो सगरा आकाश साफ दिखो है। शायद राधिका का दर्द ठाकुर जी के दरबार में फरियाद कर रहा है। शायद ये ठाकुर जी का क्रोध है जो तूफान बन के बरस रहा है। थोड़ा तो दिमाग फिर गए हो। अरे इतनी रात को बेफिजूल की बातें कर रही है। कल राधिका अपने हाथों से अपना सुहाग विशाखा को सौंप देगी। बाहर के इस तूफान से ज्यादा बड़ा तूफान उसके मन में उमड़ रहा होगा। अरे तो उमड़ने देना, तूफान के बाद तो सब शांत हो जावे। देखना कल सुबह भी सब शांत हो जावेगा। विशाखा का देव बाबू से ब्याह करवाए के राधिका ही आ जावेगी, और आ जावेगी तो सब कुछ वैसा हो जावेगा जैसा होना चाहिए। रिया ज्यादा सोच मत, जा और जाकर सो जा। फिकर मत कर, मैं कह रही हूं सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। जा सो जा। Thank you.
दादी माँ, रात का बत्ती जली देखी तो यहाँ चले आए, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं तबीयत की वजह से कि देव का ख्याल आ गया। भगवान करे वो ठीक ही हो, मेरी तो सांस फूल रही थी। हम ना डॉक्टर को बुला देते हैं। अरे नहीं रे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो देव की चिंता हो रही थी ना। अरे मैं एक काम करती हूँ ना, देव को ही फोन कर लेती हूँ। पर देव भैया अभी तो सो रहे होंगे दादी माँ। ये भी सही है, उसे क्यों खामखा परेशान करूं, आखिर भगवान के मंदिर में है तो सब ठीक ही होगा। आप आराम करने की कोशिश कीजिए दादी माँ, गोवर्धन बाबा ने चाहा तो सब अच्छा होगा, आप आराम कीजिए। विशाखा, 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 विशाखा उठना। विशाखा, विशाखा उठना, विशाखा उठ, विशाखा उठ, कम से कम यहाँ तो चैन से सोने दो राधिका मुझे। विशाखा वो कहीं खो गए हैं, चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। विशाखा उठ, ढूंढने चलते हैं देव को, वो भी इतनी रात के। राधिका, देव कोई बच्चा नहीं है जो कहीं खो जाएगा। अरे यही कहीं घूमने फिरने गया होगा, वो आ जाएगा। विशाखा देखना बाहर कितनी बारिश हो रही है, चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। खुद तो परेशान हो ही रही है, मुझे भी परेशान कर रही है। जा तू जा, मुझे भी सोने दे, तू भी सो जा। जा अभी सोने दे। माफ कर दीजिए, खुद को समझाने का एक मौका तो दीजिए। मैं जानती हूं मैं जो कुछ भी कहूंगी आपको शायद उस पर विश्वास नहीं होगा, पर ये सच है,
मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मैंने अपने प्यार को एक नाम दिया था, ड्रीम गर्ल। अब क्या कह के पुकारूं तुम्हें, राधिका या चेहरा छुपा रही हो? अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूं। तुम जानती हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था, मेरी तड़प सच्ची थी, तभी तुम्हारा आसपास होना मुझे पहले से ही महसूस हो जाता था। इतनी हद तक प्यार किया था मैंने तुमसे, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ दर्द और कुछ नहीं। जब हम जीवन साथी बन सकते थे तो तुमने मुझसे इनकार क्यों किया? और उस दिन जब हम कुंड के पास मिले थे तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? क्योंकि आप मेरी बहन विशाखा के पति हैं। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। जो रिश्ता मैंने तुम्हारे घर भिजवाया था वो तुम्हारे लिए था। वो रिश्ता विशाखा के नाम से आया था क्योंकि मुझे लगता था तुम्हारा नाम विशाखा है। कुछ बोल गया पर आपके घर वालों ने आकर विशाखा को पसंद किया। आपका विवाह विशाखा के साथ हो गया और अब आपको अपनी शादी का मान रखना चाहिए। तुम्हें लगता है ये आसान होगा, और वो भी अब जब तुम मुझे मिल चुकी हो। मुझसे वादा किया था। मेरी जिंदगी एक पल में बदल गई राधिका, और तुम्हें अपने सामने देखने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तो अब तुम मुझसे क्या उम्मीद रखती? मैं कौन से वादे निभाऊं और किस लिए? आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। जब तुम जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और जो शादी का रिश्ता है वो तुम्हारे लिए ही होगा, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरी शादी तुम्हारे बहन से हो जाने दी। क्यों? चुप रहकर तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है, जबकि तुम भी मुझसे प्यार करती थी। तुम्हारी आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए प्यार किया, इसलिए मैंने बात शादी तक बढ़ाई। तो फिर तुमने मुझे किसी और का कैसे हो जाने दिया? क्योंकि मैंने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं। अगर आपको मेरी आंखों में प्यार नजर आए शायद आपको कोई धोखा हुआ हो।
मुझे आपसे कभी प्यार था? और ना है। Thank you.